अच्छा खाना देखने पर मुंह में पानी क्यों आता है? क्यों इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद भूखे पेट सोना पड़ा था? और एक ऐसा टीवी जिसमें जो भी आ रहा है उसे आप टेस्ट कर सकते हो, और पैकेट्स में ये लाइन क्यों होती है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, एक स्कूल के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि करीना कपूर और सैफ अली खान के बच्चे का पूरा नाम क्या है, और जब इन दोनों को इस क्वेश्चन के बारे में पता चला तो इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से शिकायत की और फिर डिपार्टमेंट से उस स्कूल को एक नोटिस भेजा कि आइंदा ऐसा ना हो वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। नंबर 19, इस टीवी को देखो, इस टीवी में जो भी आ रहा है उसे आप टेस्ट कर सकते हो, इसमें 10 फ्लेवर्स हैं, ये 10 फ्लेवर्स मिक्स होके कई अलग अलग टेस्ट बन सकते हैं। इस टीवी का नाम है टेस्ट द टीवी, और जो भी इस टीवी पर आ रहा होगा उसे आप चाट के टेस्ट को एंजॉय कर सकते हो। नंबर 18, अलास्का में पिज्जा प्लेस नाम की एक जगह है, और अगर आप वहां से पिज्जा ऑर्डर करते हो तो आपका पिज्जा हेलीकॉप्टर में आएगा, पर पिज्जा का पता नहीं लेकिन हेलीकॉप्टर को देखकर ही पैसे वसूल, और ये हेलीकॉप्टर उनकी फ्री में ब्रांडिंग भी करता है। नंबर 17, अगर आप किसी के घर पर खाना खाने जाते हो तो आपको खाना खाने के बाद एक बार उस खाने की तारीफ जरूर करनी चाहिए, भले ही खाना अच्छा हो या बुरा हो, और खाने में से एक चीज की बड़ाई करनी चाहिए, जैसे कि सब्जी अच्छी है, इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा कि उनकी एफर्ट किसी को पसंद आई। नंबर 16, ये काफी फनी फैक्ट है, इंसान चांद पर 1969 में चले गए थे, पर जो सूटकेस होते हैं उनमें व्हील्स ही 1972 में लगाए गए थे। ये फैक्ट बहुत छोटा था पर काफी फनी था। नंबर 15, आपने स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स में स्क्विडवर्ड का ये घर तो देखा ही होगा, पर ये असल में एक कार का साइलेंसर है जो कि पानी के अंदर गिर गया था, और रियल लाइफ में ऐसी कई चीजें होंगी जिन्हें मछलियां अपना घर बना ली होंगी। नंबर 14, ये देखो, ये है एक स्मार्ट बेंच, ये बेंगलुरु में बनी हुई है, इस बेंच पर फ्री वाईफाई है और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, और ये सब कुछ सोलर एनर्जी से चलता है। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन ये बेंच बहुत कॉस्टली भी है। नंबर 13, अमेरिका के शॉनबर्ग नाम के एक आदमी को एक बहुत ही अजीब बीमारी थी, इस बीमारी में लोगों को 13 नंबर से डर लगता है, इनको भी ऐसा ही था, ये अक्सर अपने सॉन्ग के वॉल्यूम में 13 नंबर को स्किप कर देते थे, और साथ में इनका जन्म 13 सितंबर को हुआ था और इनके मृत्यु 13 जुलाई को हुई थी, और ये जब मरे थे तब ये 76 साल के थे, और 7+6 भी 13 होता है। नंबर 12, अगर आप किसी पार्क में किसी बेंच पर बैठे हो और बेंच से उठने वाले हो और तभी आपके साइड में आके कोई बैठ जाए तो आपको वहीं पर 5 मिनट तक और बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत उठ जाओगे तो आदमी को ऐसा लगेगा कि आप उसके बैठने की वजह से उठ गए हो, भले ही आपकी उठने की वजह कोई और हो, लेकिन उस आदमी को ऐसा ही लग सकता है। नंबर 11, आजकल हाथ धोने के लिए बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, पर ये एक फैक्ट है कि हर साल 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत बस हाथ सही से ना धोने की वजह से होती है, और अगर सब हाथ सही से धोने लगेंगे तो दुनिया में 10 लाख लोग कम मरेंगे। नंबर 9, 1996 में माइकल जैक्सन इंडिया आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपना कॉन्सर्ट किया था, लेकिन इन्होंने कॉन्सर्ट वालों से कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, और ऊपर से जो भी इस कॉन्सर्ट से प्रॉफिट आया उसमें से 80% पैसों को 2 लाख जॉब जनरेट करने में लगा दिया, और बाकी बचे पैसों से गरीब बच्चों को पढ़ाया गया। तो अगर आपने कभी सोचा है कि माइकल जैक्सन इतने फेमस क्यों थे, तो उसका रीजन ये भी है। नंबर 8, स्विट्जरलैंड में अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में 3 से ज्यादा बार फेल हो जाते हो तो फिर आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है और उसे बताना पड़ता है कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है, और फिर आपको एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, आपको कुछ मेडिकेशन लेने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद अगर आपको फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना है तो आपके उस डॉक्टर को लिख के देना पड़ेगा कि हाँ ये आदमी फिर से टेस्ट देने के लिए तैयार है, और अगर फिर भी आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से टेस्ट देने के लिए साइकेट्रिस्ट का रिटन स्टेटमेंट चाहिए होगा। नंबर 7, ब्राजील का एक बेघर आदमी था जो भूख से बेहोश हो गया था, तो जल्द से जल्द लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए, जो लोग इसे लेके गए थे वो इसे हॉस्पिटल पहुंचा के चले गए, लेकिन फिर यहाँ 4 कुत्ते आ गए, और ये वो कुत्ते थे जिसके साथ ये आदमी रहता था, ये आदमी इनको खाना खिलाता था, और इसीलिए जरूरत के वक्त ये कुत्ते उसके साथ थे, ये कुत्ते तब तक उनके पास रहे जब तक वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ना हो गए। नंबर 6, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 64% जॉब इंटरव्यूअर्स को इंटरव्यू के पहले 90 सेकंड्स में ही पता चल जाता है कि उन्हें आपको लेना चाहिए या नहीं। ये एक टिप है कि आपको स्टार्टिंग में ही अपने जॉब इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन दिखाना है। वैसे जॉब फाइव, इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस दिन पूरी इंडियन टीम भूखी रही थी और उन्हें खाना नहीं मिला था। दरअसल जीतने के बाद सब इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने काफी लेट तक पार्टी की, और पार्टी के चक्कर में वो खाना भूल गए, और फिर जब सबको भूख लगी तो सब बाहर जाके रेस्टोरेंट ढूंढने लगे, और देखा कि सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, जिसके बाद उन्हें भूखा सोना पड़ा और अगले दिन उन्हें खाना मिला। नंबर 4, ये फैक्ट तो नहीं लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा, अगर आपके बैंक अकाउंट में बस 2 डिजिट का बैलेंस है फिर भी आपको
आपको उसे देखने के लिए 4 डिजिट का कोड डालना पड़ता है, तो ये देखने के बाद हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। नंबर 3, इस बात में कोई शक नहीं है कि एडुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल की डिजिटल दुनिया में हमको जो नॉर्मल स्कूल में एडुकेशन मिलता है उसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे वो सिग्नेचर के लिए अंगूठा लगाते थे, और जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो सिग्नेचर करते थे। पर वहीं पर आजकल फिंगरप्रिंट वाली चीजें आने लगी हैं, क्योंकि सिग्नेचर भी कॉपी हो सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं। और यही फर्क है एडुकेशन और डिजिटलाइजेशन में। पहले आपको हर एक चीज याद रखनी पड़ती थी, लेकिन अब हम बस चुटकियों में हर एक चीज का आंसर जान सकते हैं। नंबर 2, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब भी आप किसी टेस्टी चीज को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? जब भी हम किसी टेस्टी चीज को देखते हैं तो हमारे दिमाग को ऐसा लगता है जैसे कि हम उसे खाने वाले हैं, और इसीलिए वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और इसमें से सलाइवा निकलने लगता है। आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्रिपरेशन है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा है वो 20% हमारे खाने को मुंह में ही डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं या फिर किसी टेस्टी खाने को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। नंबर 1, आपने कभी चिप्स के पैकेट में ये लाइन को नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इसका काम क्या होता है? दरअसल इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे काम है। सबसे पहला, जब चिप्स को पैक किया जाता है तब सील करने के दौरान ये हेल्प तो करता ही है, और साथ में चिप्स के पैकेट को एयर टाइट बनाया जाता है, और एयर टाइट बनाने में भी ये मदद करता है। इसका सबसे मेन यूज होता है चिप्स के पैकेट को फाड़ने में। अगर आप चिप्स के पैकेट को फाड़ रहे हो तो आपको हमेशा यहाँ से फाड़ना चाहिए। हम अक्सर चिप्स के पैकेट के कोने में काट देते हैं, आपको नहीं पता होगा लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि चिप्स का पैकेट रिसाइकल हो जाता है लेकिन छोटा सा पीस जो कटा है वो कभी भी रिसाइकल नहीं होता, और फिर ये हमेशा के लिए अर्थ में कचरा बन के रह जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियो देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।